हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बच्चे, मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये मैं स्टार्ट करूंगा स्टेप बाय स्टेप। मतलब जिस बच्चे ने आज से पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ा हुआ, या जिसने पढ़ा हुआ है उसके समझ में नहीं आया, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो रहेगा ये। तो इसलिए आगे जितने भी वीडियो है, मैं इसका सारे स्टेप बाय स्टेप अपलोड करता रहूँगा, जिस हिसाब से मुझे टाइम मिलता रहेगा रिकॉर्डिंग का। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का जो टॉपिक है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी बच्चों का मानना है कि ये सबसे मुश्किल टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप करते हो तो इससे आसान टॉपिक है ही नहीं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पहले होता क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में दो तीन चीज़ें, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं इसके ज़्यादा लंबी लंबी वीडियो नहीं देने वाला आपको, छोटे छोटे पार्ट वाइज हर एक चीज़ का, सब्सक्रिप्शन के ऊपर एक वीडियो, काफ़ी सारे टॉपिक हैं हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जिसको हम कवर करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्टूडेंट मैं आज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो, बेसिक से स्टार्ट करूंगा तो फर्स्ट वीडियो में इतना कुछ पता नहीं चलने वाले, बाकी सारे वीडियो में धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बताता जाऊंगा, लेकिन आप वीडियो एंड तक देखो तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे गिवन है, आप फोन करके पूछ सकते हो। लेकिन मैं ऐसा कोई पॉइंट इसके अंदर कवर, ऐसा नहीं है कि नहीं कवर नहीं करूंगा, पूरे पॉइंट कवर करूंगा, पूरे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो प्यारे बच्चों देखो, जैसे कि मैं सिंपल सी बात करूं, बिजनेस बिजनेस को दो कैटेगराइज में बांट दिया गया है। बिजनेस को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। नंबर वन, एक वो बिजनेस जिसका मेन मोटिव, मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, और एक वो बिजनेस जिसका मेन उद्देश्य प्रॉफिट नहीं कमाना है। नाम से क्लियर है। मैंने बच्चे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बिजनेस दो तरीके का होता है, एक का नाम है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस, एक का नाम होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बोलो बिजनेस। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस का नाम बताऊं तो जैसे आपने सुना होगा नाम रिलायंस, टाटा, एयरटेल, वोडाफोन, और भी जितनी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी आपने सुना होगा इसका, जिनका मेन मोटो होता है बिजनेस करना, और बिजनेस करने के बाद जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। किसमें? या तो खुद ले लेते हैं, या तो खुद ले लेते हैं वो, या फिर अपने शेयर होल्डर में, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप में बांट लेते हैं। तो मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा। इससे रिलेटेड हमारी अकाउंटिंग होती है फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट, इससे रिलेटेड अकाउंटिंग है हमारी फाइनल अकाउंट। पहले मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट ना कमाना, यानी मैं कह सकता हूं कि लोगों की एक तरीके से भलाई करना। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एग्जाम्पल देके चल रहा हूँ मैं, जैसे कि स्कूल। अब बच्चे, अब सारा स्कूल नहीं होता ऐसा, कुछ स्कूल का मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना भी है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ उस स्कूल की बात करूंगा जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। हॉस्पिटल, सेम वही, सारे हॉस्पिटल का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जो कि प्रॉफिट मेकिंग है, और कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कि पब्लिक के सर्विस के लिए दिया जाता है, पर पब्लिक के भलाई के लिए किया जाता है। टेंपल, मंदिर,
गुरुद्वारा, मस्जिद, इंस्टीट्यूट, जैसे कई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, कई नॉर्मल इंस्टीट्यूट है जो लोगों को इस छोटे छोटे बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हो। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जिसे हम शॉर्टकट में RWA भी बोलते हैं, RWA। इसका मेन काम क्या होता है, जैसे कि मान लो सोसाइटी है, आपने आसपास में कोई सोसाइटी देखा होगा। सोसाइटी का मतलब इसमें होता क्या है बच्चे, इसमें होता यह है कि मकान, बहुत सारे बिल्डिंगें बनी होती है, और बिल्डिंगें बने होने के बाद इसका ऑनर कोई एक नहीं होता पूरे बिल्डिंग का, हर किसी के पास मेंबरशिप होते हैं। तो उस सोसाइटी के लिए लिफ्ट का मेंटेनेंस, उस सोसाइटी के आस पास में जो भी एरिया है उसके मेंटेनेंस के लिए हर कोई पैसे देता है, और वो अपना एक RWA बना लेता है। रेजिडेंस मतलब जहाँ रहा जाएगा, वेलफेयर मतलब उसके हित के लिए, एसोसिएशन ये वो ऑर्गेनाइजेशन होगा जो उनके लोगों की रिपेयर, मेंटेनेंस, जो भी वहाँ के लोगों के बारे में सोचेगा, प्रॉफिट नहीं कमाएगा ये। इसके बाद अनाथ आश्रम, अनाथ आश्रम जहाँ पे चैरिटी वगैरह, मान लो जहाँ पे वो बच्चे रहते हैं जिनके माता पिता का पता नहीं है, तो वहाँ पे उनको पढ़ाया जाता है और सारी फैसिलिटी, रहने के लिए सुविधा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है बच्चों, स्पोर्ट्स क्लब, काफ़ी सारे ऐसे स्पोर्ट्स क्लब भी है जिसको के प्रमोट किया जाता है। सारे स्पोर्ट्स क्लब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसमें से कुछ स्पोर्ट्स क्लब ऐसे भी हैं जिसका काम क्या है, प्रॉफिट कमाना, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका काम है प्रॉफिट नहीं कमाना। तो मैंने बच्चे अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, और सेकंड मैंने बताया आपको प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो मैं आपसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है नहीं है थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे आप अभी स्टडी कर रहे हो, तो स्टडी करने के लिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लो मेरा एक कोचिंग सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, और जो मेरा इंस्टीट्यूट है उसका नाम मान लेते हैं विनिंग एज स्टडी पॉइंट वास्प। अब बच्चे देखो, जैसे कि मान लो ये मैं हूं, मैं अनुज, अब मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि उन बच्चों को पढ़ाया जाए जिनके पास फैसिलिटी नहीं है, जो अपनी फी अफोर्ड नहीं कर पाते, उन बच्चों को पढ़ाया जाए जिनका फाइनेंशियल पोजीशन काफी वीक। तो मेरा मेन मोटिव था कि जैसे मैंने माइंड में सोचा कि इन बच्चों को मैं एजुकेशन दूंगा, अकाउंट से रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊंगा, जिससे होगा क्या, अकाउंट से रिलेटेड जब सारी चीज़ें बताऊंगा तो वो बच्चे भी आगे बढ़ पाएंगे जो कि किसी ना किसी रीज़न की वजह से आगे चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बन पाते, आगे अच्छी जॉब नहीं ले पाते। उनके पास टैलेंट होता है लेकिन उनके टैलेंट को आगे नहीं लाया जाता। तो बच्चे मैंने सोचा कि विनिंग एज स्टडी पॉइंट मेरा एक इंस्टीट्यूट है, मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, जितने भी बच्चे हैं वो मेरे पास पढ़ेंगे, मेरे पास सारे बच्चे पढ़ेंगे और सब अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं, ये छोटे छोटे स्टूडेंट हैं, ये आप में से कोई है, राम, श्याम, राहुल, रवि, और भी बहुत सारे नाम, ये सारे बच्चे हैं। इन बच्चों से मैंने बात किया कि बच्चे आप लोगों के पास क्यों नहीं पढ़ते। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि सर हमारे घर वाले इतने फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है कि मेरी फी अफोर्ड कर पाए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इन्हें पढ़ाता हूँ। पढ़ाने के लिए सबसे पहले मैंने पढ़ाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा कि पढ़ाते हुए सबसे पहले मैंने यहाँ पे सोचा
कि मैं इसने पढ़ाऊंगा कहाँ पे, इन्हें पढ़ाया कहाँ जाएगा। तो पढ़ाने के लिए सबसे पहले मैंने देखा कि इन्हें पढ़ाया कहाँ जाएगा, इन्हें पढ़ाया कहाँ जाएगा। तो मैं इन्हें किसी पार्क में तो नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मुझे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, किसी और ऐसे जहाँ रोड हो यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता, पार्क में नहीं पढ़ा सकता। आप खुद सोचो, आपको पढ़ाने के लिए मुझे एक प्रॉपर प्लेस की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे एक सिंपल बोलूँ तो मुझे एक एक ऐसे रूम, एक ऐसे कमरे की जरूरत है जहाँ पे आप सबको मैं बिठा पाऊँ और मैं सारी चीज़ें बता पाऊँ। लेकिन समस्या ये है बच्चे कि इस रूम का जो रेंट है वो रेंट है सपोज करो 5,000 रुपीज़, सपोज करो 5,000 रुपीज़, और मकान मालिक को, अपने लैंडलॉर्ड को मैं बोलता हूँ कि मैं फ्री में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो वो मुझसे पैसे ना लें, ऐसा होगा नहीं, वो पैसे तो मांगेंगे। तो मैंने एक रूम रेंट पे लिया। इसके बाद बच्चे मुझे अगर मेरा देखा जाए तो मैं भी फ्री में पढ़ाऊँगा, फ्री में मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे भी अपने घर चलाने के लिए खर्चे की जरूरत पड़ेगी। तो मैं तो फ्री में पढ़ा रहा हूं लेकिन ये रेंट मुझे देना पड़ेगा। इसके बाद व्हाइट बोर्ड ये भी खरीद के लाना पड़ेगा। इसके बाद मार्कर जिससे मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें समझाऊंगा, ये भी लेके आना पड़ेगा। मैंने इन सभी बच्चों से बात किया। टोटल मेरे पास जो मैंने बच्चों को इकट्ठा किया, सब बच्चों को मैंने बुलाया, तो पता है बच्चे कितने आ गए हमारे पास? मेरे पास 50 स्टूडेंट आ गए, 50 बच्चे, और सबने बोला सर हम आपसे पढ़ेंगे। और मेरे कमरे की कैपेसिटी भी 50 स्टूडेंट की है, तो सबने बोला कि हम पढ़ना चाहते हैं। मैंने लगा कोई बात नहीं, आप बिल्कुल पढ़ो। लेकिन मैंने इन सब बच्चों से बात किया, देखो मैं आपको पार्क में तो पढ़ा नहीं सकता, और कहीं मेरे पास घर भी नहीं है अपना जहां मैं आपको पढ़ाऊं। मैं अपनी सर्विस तो आपको फ्री में दे सकता हूं, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं 5,000 रुपये हर महीने रेंट पेड करूं अपने पॉकेट से। तो देखो ये जो खर्चा है, आप 50 बच्चे हो, और कहीं अगर आप ट्यूशन पढ़ते, अगर और कोई सपोज करो 500 बच्चे हैं, 500 500 मान लेते हैं, और कहीं आप अगर ट्यूशन पढ़ते तो आपकी फी कितनी होती? नॉर्मली देखा जाए तो 500, 800, 900, 1000, 500, 800, 900, 1000 के आसपास। लेकिन देखो मैंने बच्चों से रिक्वेस्ट किया कि बच्चे स्टूडेंट ये समझो आप, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास मकान नहीं है, और आप सब वही बच्चे हो जिनके पास, आपके पास भी मकान नहीं होगा तो आपके भी मैं मकान नहीं ले सकता। तो एक काम करते हैं कि मैं मकान किराए पे ले लेता हूँ, किराए जो 5,000 जाएगा, 5,000 आप 500 स्टूडेंट हो तो मैं 5,000 500 स्टूडेंट पे डिवाइड कर दूंगा, तो हर बच्चे पे कितना आएगा? 100 रुपीज़। हर बच्चे पे कितना आया? 100 रुपीज़। 100 आए, कितना आया? 10 रुपए का हर बच्चे पे आ गया हमारा 10 रुपीज का। अब मैंने हर बच्चे से बोला आप क्या 10 रुपीज पेड कर सकते हो अपने एजुकेशन के लिए? क्या आप 10 रुपीज पेड कर सकते हो अपने एजुकेशन के लिए? हर बच्चे ने बोला हाँ बिल्कुल 10 रुपीज तो दे सकते हैं सर, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है। मैंने बोला चलो ठीक है, 500 स्टूडेंट हैं और मैं उनसे अगर 10 रुपए ले लूं
तो रेंट निकल जाएगा। मैंने फिर सोचा कि मार्कर वगैरह का भी पैसा चाहिए, तो मैं 10 ना लेके हर बच्चे से मैं कितना लेने की कोशिश करूंगा। मैंने बोला चलो आप मुझे 10 मत दो, आप मुझे 12 दे दो, जिससे मेरा मार्कर का रेंट वगैरह सब शेयर हो जाए। तो इन बच्चों को मैंने एक कार्ड बना के दे दिया और हर बच्चे का नाम मैंने एक रजिस्टर में मेंटेन किया। रजिस्टर में मेंटेन करने के बाद एक प्रॉपर कार्ड दे दिया। कार्ड देने के बाद हर बच्चे के एंट्री जब भी होता था वो कार्ड लेके आते थे अपने पास। कार्ड लेके आते थे तब उनका क्या होता था, एंट्री हो जाता था। अब अगर आप मान लो 12th क्लास में हो तो मेरे पास 1 ईयर आओगे, पूरे कोर्स भी करवाना है, या फिर आप आईपीसीसी कर रहे हो तो आपका जो ड्यूरेशन है उसमें आओगे, 11th क्लास है तो उस ड्यूरेशन में आओगे, बीकॉम फर्स्ट ईयर है उस ड्यूरेशन में आओगे, जो भी आपका टाइम है। मैंने बोला कि आप जो है, जो बच्चा मेरे पास पढ़ रहा है उन सबके 12 12 रुपए देने पड़ेंगे। अब मान लो 5,000 तो मेरा किराया है, 12 12 रुपए ले रहा हूं, क्यों, और भी बाकी खर्चे उनके बदले। अब मैं आपके ऊपर ही सारा ये खर्चा कर रहा हूं, जो भी पैसा मेरा खर्चा आपसे लिया जा रहा है, इससे ले रहा हूं, इससे ले रहा हूं, इससे ले रहा हूं, इससे ले रहा हूं, जो भी खर्चा लिया जा रहा है वो सारा का सारा किससे रिकवर किया जा रहा है, वो रिकवर किया जा रहा है आपसे। जो मेरा सारा का सारा खर्चा है जो आपसे लिया जा रहा है वो सारा का सारा खर्च कर दिया जाता है। अब आप एक तरीके से मैं बताऊं तो मेरे इंस्टीट्यूट के, पता है आप क्या हो गए, सोचो सोचो क्या हो गए, आप हो गए मेरे इंस्टीट्यूट के मेंबर, मेंबर्स। और आप जो हर बार मुझे कितना दोगे, हर महीने कितना देने वाले हो, 12 रुपीस। ये 12 रुपीस आप जो मुझे दोगे, इसको, इस 12 रुपीस को हम बोलेंगे सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन। तो इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारे टॉपिक है जिसमें से मैंने अभी थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन समझाया है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, बेसिकली सब्सक्रिप्शन जब कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने खर्चे को चलाने के लिए अपने मेंबर से जो एक प्रॉपर एक फी डिसाइड कर लेता है, प्रॉपर अमाउंट डिसाइड कर लेता है, एस्टिमेशन या फिर एक्चुअल बेसिस पे जो अमाउंट डिसाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सब्सक्रिप्शन। अगर मंथली है तो हर बच्चा क्या देगा, मंथली। ईयरली है तो क्या देगा, ईयरली। बेसिकली ये आपका ईयरली रहेगा हमारे सिलेबस के अंदर। तो स्टूडेंट, मैंने आज आपको समझाया सिर्फ बिजनेस क्या है। एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस होता है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल है, एक दो नंबर में पूछा जा सकता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल। और अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर आप सब पढ़ने आए, और आप अपने साथ क्या लेके आए, मैंने एक रेंट पे क्या करा, एक कमरा लिया, एक मैंने रूम लिया, रूम का रेंट 5,000 है जो मैं आपसे रिकवर कर रहा हूं, और आपके हर बच्चे के ऊपर मैंने एक डिमांड करा कि हर बच्चा 12 रुपये देगा ही देगा साल में या महीने में। तो जो आप 12 रुपये मुझे पेड करोगे ये होगा कौन, और पेड कौन करेगा, आप। अब आपका नाम राम श्याम कुछ भी हो, मैं आप सबको क्या बोलूंगा, आप मेरे इंस्टीट्यूट के क्या बन गए, मेंबर। और मेंबर जो मुझे 12 रुपये देगा वो क्या होगा, सब्सक्रिप्शन, वो क्या होगा मेरा सब्सक्रिप्शन। इस सब्सक्रिप्शन में काफी सारे टाइप हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा उसके अंदर मैं भी आपको बताऊंगा सब्सक्रिप्शन के कितने टाइप है, क्या सिचुएशन हो तो सब्सक्रिप्शन को कैसे सॉल्व किया जाए, सब्सक्रिप्शन का कैसे कैलकुलेशन किया जाए, वो सारी चीजें बताऊंगा। मतलब एक एक पार्ट करके वीडियो सारी वो मैं बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच।